भाई आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल मिल जाती है? स्टेयरिंग व्हील मिल जाएंगे, जालियां मिल जाएंगी, बम्पर मिल जाएंगे, तुम्हें फोक लाइटें मिल जाएंगी, स्टेयरिंग व्हील, एयरबैग, सीट बेल्ट है और साइड मिरर, और भाई का काम है हेडलाइट बैक लाइट होगा। लाइट के मिल जाएंगे, इनोवा क्रिस्टा के मिल जाएंगे, फॉर्चुनर, वैगन आर, स्विफ्ट न्यू मॉडल, पुराना मॉडल, क्रेटा के, ग्रांड के, बलिनो, सियाज और इनोवा के मिल जाएंगे, इंडिकेटर वाले, विदाउट इंडिकेटर, टाटा टियागो, नेक्सन, स्विफ्ट टाइप वन, लगभग सारी गाड़ी के आपके पास जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। तो कितने रुपए से जाली का रेट स्टार्ट होगा? 1800 रुपए तक। ठीक है, तो i20 जो एलीट मेरा वाला मॉडल है उसका जो बेस मॉडल आता है, नॉर्मल जो आती है लाइट बिना प्रोजेक्टर वाली, उसका क्या कॉस्ट आएगा? इसकी कॉस्ट है 1000। वैगन आर का जो प्राइस बता रहे हैं 500 रुपीज। ये ब्रेजा टॉप मॉडल है, ठीक है, ये आईटी टेक की है, एचआरडी है इसके अंदर, एलईडी, ठीक है, ओके। और ये लोरा की लाइट है, ये वाली जो देख रहे हो ये लोरा की लाइट लगी हुई है, नीचे ये सफारी स्टॉर्म की लाइट है। और 700 रुपए से बुलेरो की लाइट, मैक्सिमम लाइट कितने तक की होगी इसकी? 800 या 900 तक की लगती। तो गाइस स्वागत है आपका 47 नेशन में और मैं हूं अतीक आपके साथ। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है लाइट्स के ऊपर, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, स्टीयरिंग, साइड के जो इसके ऑटोमेटिक मिरर्स मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरे रेट्स बताऊंगा, पूरी डिटेल के अंदर बफिंग वगैरह सब चीज़ें दिखाऊंगा। मैं आया हूँ अपनी i20 की लाइट लेने, जो कि है फ्रंट की लाइट है, हेडलाइट लेने आया हूँ पूरी की पूरी, जो कि मुझे चाहिए थी बहुत टाइम से, टॉप मॉडल की लाइट है, तो टॉप मॉडल की भाई के पास लेने आया हूँ, जो है सरफराज भाई। कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताइए। बहुत बढ़िया सरफराज भाई, तो सरफराज भाई के पास आया हूँ मैं, पूरी की पूरी डिटेल देता हूँ आपको, ब्लॉग में बने रहे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या इनके पास मिल जाएगा और कितने से रेट स्टार्ट होगा और कितने से रेट जो है इनके पास खत्म होगा, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक के रेट्स किस किस हिसाब से इनके पास मिलते हैं। तो गाइस भाई जितने लाइटें खोल रहे हैं मैं आपको पूरी की पूरी लाइटें दिखाता हूँ कि लाइटें कौन कौन सी अवेलेबल हो जाती है इनके पास। इतने मैं आपको एक पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ कि लाइटें इनके पास हर किस्म की लाइटें मिल जाएगी, ऐसे आपको कोई भी जो है समझ नहीं आएगी अभी, बट अगर जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे और दुकान के आने के बाद आप देखेंगे, जैसे कि आप वहाँ देख सकते हो बीट की टंगी हुई है, उसके बाद में स्विफ्ट की है। तो गाइस पूरी की पूरी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं लाइट्स। तो लाइट्स जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ये कौन सी लाइट है? ये सैंड रोजिंग की लाइट है, सबसे छोटी मॉडल की। ठीक है, तो कितने की होगी ये मिनिमम? इसका रेट कितना रहता है? मिनिमम रेट 400 है, 400 रुपए। तो 400 रुपए से लाइट आपके पास स्टार्ट होंगी, उससे भी कम रेट है? जी नहीं, इससे कम में नहीं है, सबसे मिनिमम जो है, सबसे मिनिमम रेट 400 रुपए आपके पास, 400 से लेकर के 10,000 तक है मेरे पास, 10,000 तक की लाइटें मिल जाएगी। यस, यस। तो आपके पास टॉप मॉडल की लाइटें हैं और प्रोजेक्टर वाली सारी की सारी अवेलेबल मिल जाती है, फ्रंट की, बैक की सारी। भाई ये देख सकते हो आप, ये है बुलेरो की लाइट। कौन सा मॉडल होगा भाई बुलेरो का, ये कौन से मॉडल में लग जाती है? 8-9 मॉडल है जिसमें ये लाइट फिक्स हो जाती है। अच्छा, तो ये जैसे कि ये बता रहे हैं भाई कि 8-9 मॉडल के अंदर जो है फिट हो जाती है, इसके 8-9 मॉडल की लाइटें आती हैं। तो भाई इसका कॉस्ट क्या रहेगा? कॉस्ट रहेगा तो इसका कॉस्ट सबसे कम है मिनिमम 700, 700 रुपए से लेकर, और 700 रुपए से बुलेरो की लाइट मैक्सिमम लाइट कितने तक की होगी? मैक्सिमम 800 या 900 तक की लगभग। ठीक है, तो 700 रुपए से लेकर मैक्सिमम आप लगा लो 1000 रुपए तक की लाइट्स इनके पास जो है ये बुलेरो के लिए अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है क्रेटा की टॉप मॉडल की लाइट, और अगर यहाँ दिखाऊं मैं आपको तो फॉर्च्यूनर की लाइट भी मिल जाएगी आपको, और ये i10 है मेरे हिसाब से। मेरे पास फॉर्च्यूनर की टॉप मॉडल की लाइट है, ठीक है, और ये ब्रेजा की टॉप मॉडल की भी है, देख रहे हैं आप, ये ब्रेजा टॉप मॉडल है, ठीक है, ये आईटी टेक की है, एचआरडी है इसके अंदर, एलईडी है, ओके, और ये लोरा की लाइट है, ये वाली जो देख रहे हो ये लोरा की लाइट लगी हुई है, नीचे ये सफारी स्टॉर्म की लाइट है, ये सफारी स्टॉर्म की लाइट है, ये ऊपर क्रेटा हो गई, क्रेटा की है एलईडी लेंस प्रोजेक्टर वाली, ठीक है, ये एटीओस की लाइट है, ये एटीओस की लाइट है। रेट की बात करी जाए तो रेट की ये जो फॉर्च्यूनर की लाइट है प्रोजेक्टर वाली, ये कितने की पड़ेगी हमें साफ कंडीशन में? ये अच्छी कंडीशन में सबसे ज्यादा मिनिमम रेट है इसके 3000 रुपीज। और अगर इसकी ब्रेजा की बात करी जाए तो ब्रेजा का सबसे मिनिमम प्राइस है वो है 4000 का, 4000 रुपीज का। और ये जो आईडी टेक आप बता रहे हैं, आईडी टेक का अगर बात करी जाए तो आईडी टेक की सबसे कम मिनिमम रेट है 2500 रुपीज। गाइस वैगन आर का जो प्राइस बता रहे हैं 500 रुपीज, ओरिजिनल लाइट बता रहे हैं आप? ओरिजिनल लाइट होगी मेरे पास, ओके। और ये जो ये स्विफ्ट की लाइट टंगी हुई है, ये कितना कॉस्ट आएगा इसका? इसकी कॉस्ट है 700, 700 रुपीज। और ये जो लाइट टंगी हुई है यहाँ पे, ये सियाज की लाइट है, इसका रेट है 800 रुपीज। और i20 जो एलीट मेरा वाला मॉडल है, उसका जो बेस मॉडल आता है, नॉर्मल जो आती है लाइट बिना प्रोजेक्टर वाली, उसका क्या कॉस्ट आएगा? इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज। और अगर बात करी जाए i10 की, तो i10 के और कॉस्ट कितना आएगा लाइटों का? i10 में एक टाइप 1 है, टाइप 1 का रेट पड़ेगा आपको 700 का, और उससे ऊपर टाइप 2 आ जाओ, टाइप 2 में पड़ेगा आपको 1500 का,
फिर उससे ऊपर ऊंचे ऊंचे मॉडल जितने बढ़ते जाएंगे उसमें प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली 100-200 रुपए हर प्रोजेक्ट हर जो है मॉडल के ऊपर गाड़ी के ऊपर इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं कि जैसे जितना पुराना मॉडल होगा उतने उसके पैसे कम होंगे, जितना नया मॉडल होगा उसके पैसे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलमोस्ट चीजें बता दी है, भाई का नंबर डाल रहा हूँ, सरफराज नाम है भाई का, कॉल करके आओ। अपनी लाइट की कंडीशन भी दिखाता हूँ कि मैंने इनके पास से जो लाइट्स खरीदी है वो कौन सी वाली खरीदी है। मैंने इनके पास से प्रोजेक्टर वाली i20 के टॉप मॉडल की लाइटें खरीदी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसे होती है कि और कैसे लगेगी, उसकी प्रोसेस दिखाऊंगा पूरा का पूरा कि लगने का प्रोसेस कैसे रहता है और कैसे वो लाइटें वर्क करती है। बैकलाइट की बात करें तो टेल लाइट ये वाली कितने की पड़ेगी? ये बीट की लाइट है, ये सबसे मिनिमम प्राइस है इसका 600 का, 600 रुपए। और ये स्विफ्ट की जो टंगी हुई है ये LED वाली है, इसका मिनिमम प्राइस है 800। और i20 की बात करिए तो i20 की टेल लाइट कितने की मिल जाएगी? i20 लाइट की लगभग टेल लाइट आपको पड़ जाएगी 1500 रुपए के, लगभग 1500 रुपए के आसपास। तो स्विफ्ट वगैरह जो होती है स्विफ्ट की लाइट कितने की पड़ जाएगी? बैक लाइट 400 तक का है, प्लेन वाली जो होती है उसका मिनिमम रेट 400 तक का मिलेगा। और वैगनार की 500 से शुरुआत है उसकी। तो आपके यहाँ रेट अगर बैक लाइट के रेट बताया जाए तो बैक लाइट के रेट कितने रुपए स्टार्ट होंगे और कितने पे खत्म होंगे? 400 से शुरू होता है और फिर ऊपर बढ़ता जाता है, जो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसका मिनिमम प्राइस 1500 तक का होता है। तो आपका 400 रुपए से लेकर बेसिकली 1500 रुपए तक के लिए टेल लाइट आपके पास अवेलेबल है। या पेयर के रेट बता रहे हो कि सिंगल लाइट के रेट बता रहे हो? इसमें अलग अलग पेयर का अलग हिसाब होता है, सिंगल लाइट का अलग हिसाब होता है। मैं आपको सिंगल लाइट के पैसे बता रहा हूँ, अगर आप पेयर देखा जाए तो फिर उसमें डबल प्राइस भी होंगे। तो जैसे कि इन्होंने आपको रेट बताया तो 400 रुपए इन्होंने सिंगल लाइट के आपको रेट बताया, अगर आप दो लाइट लेंगे तो वो आपको 800 रुपए की पड़ेगी। तो पेयर के रेट नहीं है, जितने भी मैंने वो अभी तक रेट्स बताए वीडियो के अंदर, ये सारे के सारे सिंगल लाइट के जो है रेट्स हैं सारे। और टेल लाइट के जैसे उन्होंने आपको बताया कि 400 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की लाइट्स इनके पास टेल के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर बात करी जाए हेडलाइट की तो पेयर इनके पास 800 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के पेयर्स आपको इनके पास अवेलेबल मिल जाएंगे गाड़ी के। और आप सिंगल लाइट ले लो 400 रुपए की से लेकर 8,000-5,000 तक की लाइटें भी इनके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। अभी आया उबैद भाई के पास। उबैद भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। तो उबैद भाई आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल मिल जाती है? स्टीयरिंग व्हील मिल जाएंगे, जालियां मिल जाएंगी, बम्पर मिल जाएंगे, तो फॉग लाइटें मिल जाएंगी, स्टीयरिंग व्हील, एयरबैग, सीट बेल्ट है और साइड मिरर। और भाई का काम है हेडलाइट बैक लाइट होगा। अच्छा, तो भाई जैसे कि बात करी जाए, मेरे को यहाँ दिख रहा है ये i20 का स्टीयरिंग है लाइट का। तो इसी स्टीयरिंग जैसे कि गाइस आप देख रहे हो पूरा नया स्टीयरिंग है, टॉप मॉडल का जो है स्टीयरिंग इसके ऊपर लगा हुआ है। तो भाई इसका कॉस्ट कितना आएगा? इसका कॉस्ट भाई 4,000 रुपए का आएगा, विद फिटिंग बता रहे हो, विदाउट फिटिंग है, सिर्फ खरीदने की कॉस्ट है भाई, खाली खरीदने की कॉस्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो कॉस्ट आपको मैंने बताई है, सिर्फ यहाँ पे से आपको देंगे कॉस्ट, पूरा चेक करा के देंगे, सारी चीज वर्किंग होगी, सारी की सारी चीज आपको चेक करा के देते हैं। स्टीयरिंग की मिनिमम कॉस्ट आपके पास कितने रुपए होगी? भाई 500 रुपए से स्टार्टिंग है। ठीक है, 500 रुपए में जो स्टार्ट होगा, कौन सा स्टीयरिंग व्हील होगा 500 रुपए में? वो अल्टो का। अल्टो का। और मैक्सिमम रेट कितना है आपके पास? मैक्सिमम रेट है हमारा 7,000-8,000 क्रूज का होगा है, न्यू मॉडल इंडिकेटर वाले क्रूज के, स्कॉर्पियो के, स्विच वाले, इनोवा के, एयरबैग वाले। तो i20 लीड का जो है आपको ये मेरे को कितने का पड़ेगा, जो ये वाला स्टीयरिंग आप लगा हुआ पूरा टॉप मॉडल का पड़ेगा, और विद एयरबैग के साथ होगा उसके 6,000 रुपए का पड़ेगा। विद एयरबैग जो है वो 6,000 रुपए का है, और विदाउट एयरबैग जो है वो 4,000 रुपए का। तो एयरबैग जो होता है इसका काम करता है लगने के बाद? मैंने सुना कि एयरबैग जो है वो नहीं होता, एयरबैग डमी होता है और एक ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल वाला होता है वो काम करता है, जो डमी होती है वो खाली दिखाने के लिए होती है। ठीक है, दोनों होती हैं। तो गाइस जैसे कि उन्होंने पूरी की चीजें बता दी। और अगर ग्रिल की बात करी है, जैसे कि मुझे दिख रही है टाटा नेक्सॉन की ग्रिल है, टाटा नेक्सॉन की ग्रिल 1200 रुपए की, 1200 रुपए की है। तो i20 की जो ग्रिल आती है फ्रंट की वो कितने की पड़ेगी? इलाइट वाली, जी इलाइट वाली भी 1000-1200 रुपए की होगी। ये TUV की जा रही है महिंद्रा की, ये 800 रुपए की है। ये टाटा इंडिगा की, ये इंडिगा की 400-500 रुपए की दे देते हैं। और ये टाटा टियागो की, नेक्सॉन की, बहुत सारी गाड़ियों की जाली है। तो कितने रुपए से जाली का रेट स्टार्ट हो जाती है? 1800 रुपए तक की। ठीक है, तो 500-600 रुपए से जाली स्टार्ट होती है और उनके पास 1000-1200 रुपए तक की। मर्सिडीज की है, ये ओल्ड मॉडल की एंटिक में आती है जालियाँ। ठीक है, तो इनका क्या कॉस्ट होगा मर्सिडीज से लेना चाहे तो? 2500-3000 ऐसे होती है। फॉर्च्यूनर न्यू मॉडल की जाली है, और ये जो है नोवा क्रिस्टा की जाली है। तो जाली वगैरह जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है, स्टीयरिंग जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी के सारे स्टीयरिंग्स जो है अवेलेबल है। अगर वीडियो इसके ऊपर अगर वीडियो पसंद आ रही तो गाइस वीडियो लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको इसके ऊपर पार्ट टू चाहिए तो पूरा एक मार्केट के ऊपर मैं आपको एक वॉक थ्रू दूंगा आपको, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके बताओ मुझे कि आपको पार्ट टू भी चाहिए इसका। तो वीडियो के अंदर बने रहे और वीडियो के अंदर सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। बाकी हमारे स्टीयरिंग व्हील और एयरबैग और सीट बेल्ट है।
तो गाइस जैसे कि इनके पास पूरे के पूरे एयर बैग भी मिल जाते हैं, जैसे हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का तो एक्सीडेंट के बाद जो होता है एयर बैग वगैरह खुल जाते हैं, तो सिर्फ एयर बैग का सेंटर वाला जो पार्ट होता है जैसे हॉर्न वगैरह जो बचता है वो भी आप पूरा पूरा इनके पास से चेंज करवा सकते हैं। तो भाई इसका रेट अगर बात करी जाए तो कितने का मिलेगा ये अपने पास? उसके पड़ेंगे 4,000 रुपए, बाकी स्विच के पैनल वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कंट्रोल लगे हुए हैं इसके अंदर वॉल्यूम वगैरह के सारे के सारे, तो ये कंट्रोल अगर लेने हो तो कंट्रोल कितने के पड़ेंगे हमें गाड़ी के? भाई वो तो बंदे के ऊपर बात है कौन सी गाड़ी के लिए। अगर i20 लीड के लिए मुझे अपनी गाड़ी के लिए चाहिए हो तो 1500 रुपए कंट्रोल पड़ेंगे खाली विद वायरिंग समेत कपलर वाले, कपलर टू कपलर काम होगा कि पूरा का पूरा ऐसा नहीं होगा हमें वायरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी कुछ हमारे उसके अंदर वारंटी वगैरह अवॉइड होगी, उसकी वायरिंग होके कपलर निकल लेंगे वो अपने कपलर में फिट करना। ठीक है, तो 1500 रुपए से स्टार्ट होगा। अगर वैगनार वगैरह के लिए बात करी जाए तो उसके टॉप मॉडल न्यू मॉडल है लास्ट कितना होगा 1800-2000 रुपए 2500। अच्छा लास्ट रेट जो है इसका 1800 स्कॉर्पियो के लिए पहुंच जाते हैं हाई लेवल वाले। पूरे के पूरे जो है स्टीयरिंग कंट्रोल बताए हैं तो स्टीयरिंग कंट्रोल 1000 रुपए से लेकर इनके पास जो है 2500 रुपए तक के स्टीयरिंग कंट्रोल भी अवेलेबल मिल जाएंगे। जो फॉर्च्यूनर एंडेवर वगैरह कोई भी हाई एंड गाड़ी है उसके भी आपके इनके पास जो है स्टीयरिंग कंट्रोल आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे। तो भाई का नंबर आ रहा होगा यहाँ पे, भाई को अगर कुछ भी आपको स्टीयरिंग व्हील इस सब चीज़ों ग्रिल वगैरह चाहिए या फिर स्टीयरिंग कंट्रोल चाहिए स्टीयरिंग चाहिए तो भाई को कॉल कर लो, यहाँ पे नंबर आ रहा होगा भाई का, कॉल करके आओ यहाँ पे। और हमारा अगर आप चैनल का नाम लोगे तो भाई डिस्काउंट मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा? भी आ गया हूँ मैं साइड मिरर्स के लिए, तो साइड मिरर्स पूरा का पूरा आप देख सकते हो ब्लॉग, इन्होंने एक अलग अलग ब्लॉग बनाए हुए हैं। बाहर लाइट का था, इस तरफ जो है स्टीयरिंग का बनाया हुआ है, ये वाला कमरा जो है पूरा का पूरा इन्होंने बनाया हुआ है इंडिकेटर्स का, जैसे कि मेरे को दिख रहे हैं मेरी गाड़ी का i20 के, तो मुझे i20 चाहिए सबसे पहले नजर आती है अपनी गाड़ी की। आपके पास कौन कौन से जो है गाड़ी के ये उबैद भाई अवेलेबल मिल जाएंगे साइड मिरर्स? लाइट के मिल जाएंगे, इनोवा क्रिस्टा के मिल जाएंगे, फॉर्चुनर वैगनआर स्विफ्ट न्यू मॉडल पुराना मॉडल क्रेटा के ग्रांड के बलिनो सियाज और इनोवा के मिल जाएंगे, इंडिकेटर वाले विदाउट इंडिकेटर टाटा टियागो नेक्सन स्विफ्ट टाइप 1 लगभग सारी गाड़ी के आपके पास जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। स्टार्टिंग रेट है वैगनआर, ठीक है ये 500 रुपए का है कंप्लीट वैगनआर का कंप्लीट शीशा लगा के। आप पेयर का रेट बता रहे हो कि सिंगल का रेट बता रहे हो? ठीक है, पेयर का रेट कितना होगा? 1000 रुपए का होगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी तक जो भी रेट बताए ये सब सर आपको मैंने स्पेसिफिक चीज के रेट बताए, ये पेयर नहीं है ये सिर्फ सिंगल चीज के रेट है स्विफ्ट का हमारा, ठीक है। ये 1000 रुपए का मैनुअल है, इंडिकेटर रहेगा और इसमें मोटर रहेगी, बाकी हाथ से फोल्ड होगा। अब इसमें आता है ऑटोमेटिक, वो 1300 रुपए का पड़ेगा सिंगल पीस, कम्प्लीट होगा बटन से फोल्ड होगा और बटन से खुलेगा वो स्विफ्ट। और बात करी जाए i20 की, तो i20 के जो ये कितने के मिल जाएंगे इंडिकेटर वाले? इंडिकेटर वाले मिलेंगे आपको 3000 रुपए का सेट, 3000 फुल ऑटोमेटिक होंगे, फुल ऑटोमेटिक बटन जब बंद होंगे बटन जब खुलेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं नए पीस होते हैं या फिर पुराने होते हैं? ये होते तो सेकंड हैंड है, हाँ। कंपनी में अब जैसे आपके ये कवर निकल गया तो कंपनी ना कवर नहीं डालेगी आपको पूरा मिरर डालेगी, अब वो हम जाते हैं उस पर कवर लगा देते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो भाई उबैद भाई हमें सारी डिटेल वाली बातें बता रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ जितनी भी उन्होंने बताई है सब डिटेल वाली बातें हैं, कोई भी ये चीज़ शेयर नहीं करता है अपनी। बहुत ही अच्छी लगी मुझे उबैद भाई आपकी बात, इसी बात पर थम्स अप हो जाए, क्या बात है। तो उबैद भाई ये जो ऑरेंज वाली रखी हुई है ये लाइट कौन सी है? ये क्रेटा के, ये कितने के पड़ेंगे हमें? 4000 रुपए का सेट फुल ऑटोमेटिक कैरी वाला जी, वो i10 ग्रैंड का, वो कितने का होगा? वो पड़ जाएगा 2000 रुपए का। और उसके बराबर वाला वो है इनोवा क्रिस्टा का व्हाइट में, वो कितने का पड़ जाएगा? वो पड़ेगा फुल ऑटोमेटिक 1500 रुपए का, 3000 रुपए का सेट। तो अगर बात करी जाए सिंगल की, अगर सिंगल हम आपसे बात करें तो कितने में सिंगल मिरर जो है? 500 रुपए से 3000 रुपए तक है बड़ी गाड़ी का। अभी जैसे ये है ना ये 3000 रुपए कैमरी का है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने जो बताया सारा का सारा आपको इन्होंने बता दिया पूरा का पूरा स्पेसिफिक चीज़ों के रेट बताए, तो 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के भी इनके पास जो है साइड मिरर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको इंडिकेटर वाले चाहिए आपको डिपेंड करता है कि आपको इंडिकेटर वाले चाहिए विदाउट इंडिकेटर चाहिए बेस मॉडल के चाहिए टॉप मॉडल के चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है और क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे i20 का लगा हुआ है, इस पर थोड़ा सा भी ये रफ हुआ हुआ है बट यहाँ जो लगा हुआ है ये बिल्कुल साफ है, तो इसका भी डिफर करता है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी ये थोड़ी क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसकी थोड़ी क्वालिटी कम लग रही है, क्योंकि आप भी अपनी गाड़ी के अंदर अगर सामान लगाएंगे तो आप प्रेफर करेंगे कि गाड़ी के अंदर बेस्ट से बेस्ट चीज़ लगाएं, तो ये बेस्ट चीज़ है। तो मेरे हिसाब से 100-200 रुपए का जो है ऊपर नीचे रेट सब चीज़ का रहेगा। वैसे जैसे कि आप देख सकते हो ये कवर्स भी आपको जो है शीशे के कवर मिल जाएंगे, अगर आपको पूरा शीशा भी नहीं चाहिए सिर्फ ऊपर के कवर्स चाहिए तो ये कवर्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे इनके पास। जैसे कि और कवर भी दिखा रहे हैं अभी निकाल के गाड़ी के। बात करी जाए इनके रेट्स की, तो रेट्स इनका किस हिसाब से रहता है? क्रेटा का 400 रुपए का, ये क्रेटा का है 400 रुपए का है। ये रहा ये ग्रैंड के कवर है क्रेटा के कलर में, कौन सा कलर हो कौन सा लेगा आदमी, तो कलर भी मिल जाएगा इनके पास अवेलेबल। तो रेट इसके जो रहेंगे रेट वो किस हिसाब से रहेंगे? वो रेट होंगे 200 रुपए से स्टार्टिंग होगी। और कितने रुपए में खत्म होंगे? 400 रुपए।
तो गाइस जैसे कि इन्होंने बताया 200 रुपए से लेकर 400 450 रुपए तक के कवर्स भी इनके पास अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि है मिरर कवर। तो जैसे कि आपको पूरे के पूरे मैंने वॉक थ्रू दे दिया है, भाई का नंबर आ रहा है यहाँ पे, भाई को कॉल कर लो। अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। पूरा वॉक अराउंड खत्म हो चुका है, पूरी दुकान दिखा दी है मैंने आपको, स्टेयरिंग व्हील्स दिखा दिए, साइड कवर्स दिखा दिए, शीशे के जो है कवर्स दिखा दिए, साइड में पूरे के पूरे टेल लाइट बैक लाइट भी अवेलेबल दिखा दिए। बैक लाइट्स इनके पास अभी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट इनके पास जो है हेडलाइट सारी अवेलेबल हैं, कोई भी हेडलाइट जिनके पास अभी अवेलेबल है ऑर्डर के ऊपर ये कोई भी लाइट मंगवा सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है इनसे आप पूछ सकते हैं और आपको जो भी गाड़ी के लिए चाहिए वो इनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको इसके ऊपर पार्ट टू चाहिए तो पार्ट टू के लिए भी मुझे जरूर बताएं। एंटर करोगे पुरानी दिल्ली के अंदर तो आपको यहाँ पे 3 नंबर गेट दिखेगा, 3 नंबर गेट के सामने जहाँ अंदर पुरानी दिल्ली के लिए रास्ता है, यहाँ पूरी आपको यहाँ पे जो है लाइट वगैरह की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे होटल सलाम है इनके बराबर में, होटल सलाम के बराबर में आपको यहाँ पे दुकान दिख जाएगी, यहाँ पे आप जो है आके इनसे लाइट वगैरह ले सकते हैं। मैंने आपको एड्रेस भी डाल दूंगा, कमेंट के अंदर बताओ अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो। पूरी मार्केट यहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे तक पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट एक्सप्लोर करूँगा, पूरी मार्केट आपको एक्सप्लोर करके बताऊँगा कि मार्केट के अंदर क्या क्या सामान मिल जाता है और क्या क्या चीज़ें इनके पास यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें रेगुलरली। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई लव यू गाइज, बाय बाय।